हेलो क्लास सेकेंड, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 13 आर फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स वर्ड सुनते ही काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना। फेस्टिवल्स तो सभी को अच्छे लगते हैं। आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है बताइएगा। ओके, तो देखिए, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया फेस्टिवल्स की लैंड है, यानी फेस्टिवल्स की धरती है, जहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस। तो फेस्टिवल्स जो हैं वो क्या लाते हैं, जॉय, खुशियाँ और ढेर सारी मस्ती। वी वेयर न्यू क्लोथ्स एंड डेकोरेट आवर होम्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। तो हम अपने घरों को क्या करते हैं, सजाते हैं फेस्टिवल्स के टाइम, और न्यू क्लोथ्स, नए नए कपड़े जो हैं हम वेयर करते हैं। वी ऑल्सो बाय स्वीट्स एंड कुक स्पेशल फूड। और इसके अलावा हम ढेर सारी स्वीट्स खरीदते भी हैं और कुछ स्पेशल डिशेस भी हम अपने घर पर बनाते हैं। बनाती है ना आपकी मम्मा, जैसे कि आप देखते हैं होली, होली पर मम्मा गुजिया बनाते हैं, है ना। आपके घर में ईद होती है तो मम्मा सेवइयाँ बनाते हैं, और सेम अगर दीपावली होती है तो दीपावली पर भी ढेर सारे स्वीट्स जो है वो मम्मा स्पेशली आपके लिए प्रिपेयर करते हैं। वी प्रे एंड विजिट प्लेसेस ऑफ वर्शिप। और हम प्रार्थना करते हैं और जो भी धार्मिक स्थल होते हैं, यानी कि जहाँ पर हम पूजा करने जाते हैं, वहाँ पर जैसे गुरुद्वारा है ना, मस्जिद, मंदिर, तो सभी लोग जो हैं वो वर्शिप के लिए वहाँ पर जाते हैं। वी ऑल्सो विजिट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स। और इसके अलावा हम अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं, अपने रिलेटिव से मिलने जाते हैं। एंड वी हैव लॉट्स ऑफ फन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। और इसके साथ ही हम बहुत सारी, ढेर सारी मस्ती करते हैं फेस्टिवल्स के टाइम पर। ओके, नाउ अ वार्म अप एक्सरसाइज इज गिवन हियर। यू हैव टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल्स रिलेटेड टू दीज पिक्चर्स। नेम द फेस्टिवल्स बींग सेलिब्रेटेड इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। तो आपको यहाँ पर इन पिक्चर्स को देखना है और बताना है कि ये जो फेस्टिवल्स के जो यहाँ पर पिक्चर्स दिए हुए हैं वो किस फेस्टिवल से रिलेटेड हैं। ओके, तो ये तो आप अच्छे से कर सकते हैं, कर लेंगे, तो इसको आप खुद से करेंगे। नाउ लेट अस रीड अबाउट सम अदर फेस्टिवल्स ऑफ आर कंट्री। तो चलिए हम लोग कुछ और फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे कंट्री मीन्स इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट दशहरा। दशहरा सभी को पसंद आता है ना, अभी जस्ट कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने सेलिब्रेट किया। दशहरा इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 days। दशहरा इज द फेस्टिवल विच वी सेलिब्रेटेड फॉर हाउ मेनी डेज, 10 days, 10 दिन तक हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। एंड वी एन्जॉय वॉचिंग रामलीला, अ प्ले दैट टेल्स अबाउट लॉर्ड रामाज विक्ट्रीज ओवर रावणस। तो ये जो 10 days का सेलिब्रेशन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम रामलीला देखने जाते हैं। और जो रामलीला होती है उसमें क्या होता है, प्ले यानी कि एक नाटक टाइप का होता है, जिसमें बताया जाता है कि लॉर्ड रामा यानी कि भगवान राम जो थे उन्होंने किस तरीके से रावण को हराया। On the last day of the festival, the effigies of Ravana and his brother Kumbhakaran and the son Meghnath are burned. और जो last day होता है यानी कि जो 10th day होता है उसमें जो पुतले होते हैं रावण के और उसका जो brother था Kumbhakaran और उसका जो बेटा था Meghnath, उनके effigies means पुतले, पुतलों को जलाया जाता है। This event marks the victory of good over evil. और ये जो festival है, ये जो event है, ये क्या दिखाता है, क्या बताता है कि हमेशा बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। रावण बुरा था ना, और
जो भगवान राम थे उन्होंने उसको मार करके खत्म कर दिया। इस तरीके से ये जो फेस्टिवल है ये हमेशा ये बताता है कि हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरे कामों का हमेशा एंड होता है और जो अच्छे काम होते हैं उसकी हमेशा जीत होती है ना। ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 49। नेक्स्ट फेस्टिवल इज होली। होली तो सभी का बहुत फेवरेट होता है। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स एंड फन। होली जो है वो कैसा फेस्टिवल है? कलर्स का फेस्टिवल है। आप देखते हैं, आप घर में भी सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स, आपके कजन्स, आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपके घर आते हैं और हम उनको गुलाल लगाते हैं और एक दूसरे को कलर्स लगाते हैं। जो भी हमारी लड़ाइयाँ होती हैं हम उस दिन उन सबको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और फ्रेंड्स बन जाते हैं, है ना। सो होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स एंड फन एंड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल वी सिंग एंड डांस। इस दिन हम गाते हैं, डांस करते हैं एंड वी प्ले विद गुलाल एंड कलर्ड वाटर। और हम किसके साथ खेलते हैं? गुलाल के साथ और कलरफुल वाटर के साथ हम खेलते हैं। वी ऑल्सो ईट अ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड गुजिया। और इस दिन एक स्पेशल डिश भी बनाई जाती है जिसको बोलते हैं गुजिया, जो बहुत यम यम यमी होती है ना। आप लोग खाते हैं? यस। नेक्स्ट रक्षाबंधन। रक्षाबंधन तो ब्रदर एंड सिस्टर का बहुत ही अच्छा प्यारा सा फेस्टिवल होता है। रक्षाबंधन इज द फेस्टिवल ऑफ बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर। ये जो रक्षाबंधन होता है, नाम से ही आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है, रक्षा और बंधन, ये रक्षा का एक बंधन होता है। जो भाई जो है वो अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है, बहन जो है उसको राखी बांधती है भाई को, और भाई उसको प्रॉमिस करता है कि मैं आपको हमेशा आपके लिए आपको सेफ रखूंगा, है ना। तो सिस्टर्स टाई राखीज ऑन द रिस्ट ऑफ देयर ब्रदर्स एंड दे प्रे फॉर देयर वेल बींग एंड ब्रदर्स प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट देयर सिस्टर्स इन ऑलवेज। और ये जो फेस्टिवल होता है उसमें जो सिस्टर्स होती हैं वो अपने भाई की रिस्ट ही मीन्स कलाई के ऊपर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की प्रे करते हैं, कामना करते हैं और हमेशा वो खुश रहे इसकी प्रार्थना करते हैं। और भाई जो है वो प्रॉमिस करता है अपनी सिस्टर को कि हर कंडीशन में वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, है ना। तो बहुत ही अच्छा फेस्टिवल होता है और बहन जो होती है उसको अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी भाई देता है ना। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, डू यू नो ओनम। नेक्स्ट फेस्टिवल इज ओनम। ओनम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओनम जो है वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ऑन दिस डे पीपल मेक ब्यूटिफुल पूकलम मीन्स रंगोली विथ फ्लावर्स। पूकलम क्या होता है? रंगोली ही होती है, जैसे हम दीपावली पर कलर्स की रंगोली बनाते हैं वैसे ही केरला में फ्लावर्स की रंगोली बनाई जाती है ऑन द फेस्टिवल ऑफ ओणम। ओके, और क्या होता है इस दिन? स्नेक बोट रेसेस भी होते हैं, आर द मेन अट्रैक्शन ऑन द ओणम। एंड स्नेक बोट्स आर बोट्स डेकोरेटेड विद फ्लैग्स एंड सिल्क अम्ब्रेलास। यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स। देखिए ये स्नेक शेप की ये यहाँ पर बोट होती है ये, और इनके ऊपर फ्लैग्स लगे हुए होते हैं और सिल्क अम्ब्रेलास। यहाँ पर अगर आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं तो सिल्क के अम्ब्रेलास इसके ऊपर लगे हुए होते हैं एंड डेकोरेटेड विद एलिफेंट्स। एलिफेंट्स आर ऑल्सो टेकन आउट इन द प्रोसेशंस। ओके, नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज। ओके, नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड। इसको आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो हमारे इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिनको आपको लिस्ट जो है प्रॉपर पूरी बनानी है और उनके पिक्चर्स को कलेक्ट करना है और आपके नोटबुक्स के लेफ्ट साइड में आपको उनको पेस्ट करना है। ओके, देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है। नाउ वी विल डू एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर।
टेक द करेक्ट आंसर्स. नंबर वन, रक्षाबंधन इज अ फेस्टिवल ऑफ. रक्षाबंधन जो है वो फेस्टिवल है किसका? ब्रदर्स का, सिस्टर्स का और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. तो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि जो फेस्टिवल है रक्षाबंधन वो तो दोनों बहन और भाई का फेस्टिवल होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. तो आप उसको टिक करेंगे. नेक्स्ट, होली इज द फेस्टिवल ऑफ. यस, क्रैकर्स तो हम चलाते ही हैं, लाइट्स भी चलाते हैं, लेकिन दीपावली पर है ना. होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, है ना. दिस फेस्टिवल मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल. तो ये जो फेस्टिवल है ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को दर्शाता है. कौन सा फेस्टिवल है? हमने अभी पढ़ा था दशहरा. दशहरा जिसमें कि लॉर्ड रामा जो हैं उन्होंने जो रावण था उसका वध किया था, यानी कि जो बुरा रावण था उसको ख़त्म किया था. तो ये बताता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है. सो दिस इज़ द फेस्टिवल. विच फेस्टिवल इज दिस? दशहरा. ओके, ओणम इज सेलिब्रेटेड इन. ओणम कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? इन केरला. ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली विद द वर्ड्स गिवन बिलो. यहाँ पर आपको हिंट बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको आपको सिलेक्ट करना है और करेक्ट वर्ड को चूज करके यहाँ पर ब्लैंक्स में फिल करना है. वी हैव अ लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग. हम बहुत सारी मस्ती करते हैं. कब करते हैं? ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. सो नंबर वन इज फेस्टिवल. अ सिस्टर टाइज डैश ऑन द रेस्ट ऑफ हर ब्रदर ऑन रक्षाबंधन. रक्षाबंधन के दिन जो सिस्टर होती है वो रेस्ट पर, ब्रदर के रेस्ट पर क्या करते हैं? क्या बांधते हैं? यस यस, राखी, है ना. तो नंबर टू इज राखी. एंड नंबर थ्री, ऑन होली वी अप्लाई डैश ऑन ईच अदर्स फेस. तो हम होली के दिन क्या अप्लाई करते हैं एक दूसरे के फेसेस पर? यस, गुलाल, है ना. सो नंबर थ्री इज गुलाल. क्लियर? ओके, नाउ यहाँ पर दिए हुए हैं क्वेश्चन आंसर, जिसके लिए आपको एक शीट मिलेगी और उसको देख करके आपको क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में करने हैं और उसके साथ ही उनको लर्न भी करना है. ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर. टिल देन बाय बाय.